हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप लोगों के साथ में एक बहुत ही बेहतरीन सा फेशियल शेयर करने जा रही हूँ, और ये फेशियल ऐसा है कि आपको इंस्टेंट ग्रो तो देगा ही देगा, और लंबे समय में भी आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, आपको झुर्रियाँ नहीं आएंगी, दाग धब्बे नहीं आएंगे, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और समय से पहले जो ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं फेस पे वो नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को दूर करेगा ये फेशियल, और चेहरे को हमारा न्यूट्रिशन देगा, नरिशमेंट देगा, और बहुत अच्छा है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये मुझे बहुत पसंद है, मैं कुछ ना कुछ फेशियल हमेशा अपने फेस पर करती रहती हूँ। जैसे कभी मैंने इसके पहले हाइड्रा फेशियल की वीडियो शेयर की है, विटामिन ई की है, तो आपको जो भी फेशियल लगे अच्छा सूट करे वो फेशियल करिएगा। और सारे फेशियल बिल्कुल नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और 15-16 साल के बाद आप ये फेशियल आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और आदमी हो औरत सबके फेस पे ग्लो आएगा इस फेशियल को करने के बाद। तो बहुत आसान सा फेशियल है, 3 स्टेप्स है, आप देखिए और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, और ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगी। और अगर मेरी जो मेहनत है आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए। ये सब जो आप करते हैं इससे हमें बहुत हौसला मिलता है, और कैसी वीडियो देखना चाहते हैं भविष्य में वो भी मुझे जरूर बताइएगा, उसे रिगार्डिंग में वीडियो जरूर बनाऊंगी। फेशियल को करने के लिए हमने यहाँ पे एक ऑरेंज लेना है, और जो ऑरेंज होता है उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिनरल होते हैं, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे स्किन पे एक माइल्ड ब्लीच करेगा, हमारे स्किन के जो दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, और जो इवन दैट पिंपल्स पे भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो अगर आपको पिंपल भी है तो भी आप ये फेशियल आराम से कर सकते हैं, और आपकी एजिंग की प्रॉब्लम भी दूर होगी, और बहुत अच्छा इफेक्टिव होगा आपके लिए। तो यहाँ पर ऑरेंज लेके मैं इस तरीके से इसको खोल लूँगी, और इसके जो बीज है उसको बाहर निकाल लूँगी, और यहाँ पे मैं स्क्रब बना रही हूँ। तो स्क्रब इस तरीके से ही हम बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी घर पे बनाइएगा, बहुत इफ़ेक्टिव बनेगा। और यहाँ पे स्क्रब के लिए हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चीनी में होती है ग्लाइकोलिक एसिड, जो केमिकल पील का काम करती है, और हमारे स्किन में बिल्कुल जो नई स्किन होती है ना वो लाने में हेल्प करती है, और आपकी जो स्किन, जो डेड स्किन है वो सारे रिमूव हो जाती है। तो ये हमारा स्क्रब यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। अब मैंने दूसरी बोल ली है, और उसमें मैं यहाँ पर कच्चा दूध यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध लिया है, और उसके बाद जो संतरे का छिलका है उसका जो जूस है वो मैं दूध में गार रही हूँ इस तरीके से। दूध में होता है लैक्टिक एसिड, और बहुत अच्छा सा ये हमारे फेस को क्लीन करता है, और आपके फेस पे जो ड्राइनेस है वो भी जो है दूर हो जाएगी दूध से, और आपके स्किन पे जो भी हैं दाग धब्बे हैं, इवन दैट रिंकल्स, सारी चीज़ें दूध से धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये फेशियल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जिनकी उम्र बढ़ रही है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनके फेस पे प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो बस मैं यहाँ पे छिलकों का जूस लेने के बाद मैंने जो संतरे से कुछ जूस मैंने इसमें निकाल लिया है, लगभग 1 चम्मच होगा। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर दूध है, और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर संतरे का जूस है, और फिर मैंने यहाँ पे लिए मुल्तानी मिट्टी। तो जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो हमारे फेस पे जो एक्सिस ऑयल है ना वो कंट्रोल करती है, और साथ ही साथ हमारे फेस को टाइट करती है। तो आपकी जो स्किन लटक रही है, जो झुर्रियाँ आ रही हैं, वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। आप रेगुलर ये फेशियल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल पार्लर जाना भूल जाएंगे आप। तो मुल्तानी मिट्टी ली है मैंने यहाँ पर, और ये हमारा जो है पैक, मसाज पैक एंड क्रीम दोनों तैयार हो गई है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप हम करेंगे, और इतने फेस को मैं अच्छे से कच्चे दूध से क्लीन कर लूँगी, और कच्चे दूध से हमारा फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, सारी जो गंदगी है कॉटन में आ जाती है, और आपका फेस बिल्कुल तैयार हो जाता है फेशियल के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्लींजिंग है, इसके बाद हम स्क्रबिंग करेंगे। तो क्लींजिंग यहाँ पे मैं कर रही हूँ, और क्लींजिंग में आप आराम से 2 से 3 मिनट का टाइम दें, ज़्यादा भी दे सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, लेकिन हाँ मिनिमम आप 2 से 3 मिनट टाइम ज़रूर दें। और इस तरीके से मैं पूरा फेस अच्छे से अपना क्लीन कर लूँगी। और लिप्स पे भी ज़रूर क्लीन करें, लिप्स पे हमारे डेड स्किन इकट्ठा हो जाती है, और धीरे धीरे करके लिप्स हमारे काले हो जाते हैं। तो जब भी आप अपना फेस क्लीन करें लिप्स पे भी ज़रूर करें। तो ये देखिए मेरी कॉटन कितनी गंदी हो चुकी है, और अब मेरा जो फेस है तैयार हो चुका है फेशियल के लिए। अब मैं जो फेशियल करूँगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा फेस पे, क्योंकि पूरा फेस हमारा क्लीन है। तो यहाँ पे जो मैंने स्क्रब बना के रखा था, जिसमें मैंने चीनी डाल के रखी थी, उससे मैं धीरे धीरे करके अपने फेस पर स्क्रब करूँगी,
और ये बहुत अच्छा मेरा फेवरेट स्क्रब है ये, इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। ये गर्मियों में आप करिए, बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी। और इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके सारा जो है चीनी, बिल्कुल हमारी कोशिश करेंगे कि हमारी चीनी जो है मेल्ट हो जाए और अच्छे से इसको मैं रगड़ूँ, फेस पे अच्छे से स्क्रब करूँ। हल्के हाथ से ही करना है, बट पूरे फेस को हमें कवर करना है। और यहाँ पे हम आराम से 5 मिनट का टाइम दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन 5 मिनट्स दीजिए, ज़्यादा अगर दे तो और अच्छा है, लेकिन हाँ मिनिमम आपको 5 मिनट यहाँ पे देने ही देने हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर फेसियल का अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको तो 20 मिनट तो करिए ही करिए फेसियल। आप तुरंत करेंगे तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा अपने फेस पे, हर एक स्टेप पे आप थोड़ा टाइम दीजिए। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से स्क्रब कर रही हूँ जब तक मेरा पूरा जो संतरा है वो ख़त्म ना हो जाए, छिलका बिल्कुल पतला ना हो जाए, तब तक हमको यहाँ पे स्क्रब करना है। हल्के हाथों से ही करना है, और आप चाहें तो इसे 1-2 मिनट ड्राई होने के लिए भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे 2 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी, और ये 2 मिनट हो चुके हैं, और मैं कॉटन की हेल्प से ये जो भी मैंने स्क्रब किया था वो मैं निकाल लूँगी इस तरीके से। यहाँ पे मैं चेहरे को धुलने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से कॉटन के हेल्प से हम इसको पोंछ लेंगे। तो यहाँ पे मेरा फेस मैंने पोंछ लिया है, और अब मैं जो अपना नेक्स्ट स्टेप है उस पर जाऊँगी, जो हमारा 3rd स्टेप होगा मसाज। तो जो हमने मसाज क्रीम बना के रखी थी मुल्तानी मिट्टी, कच्चे दूध और संतरे के जूस से, वो जो क्रीम है उसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करूँगी। इस तरीके से बहुत अच्छा ये मसाज क्रीम बनके तैयार होता है आपके फेस पे। बहुत लगाते ही आपको इतनी ठंडक फील होगी ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और गर्मियों में तो आप ज़रूर करें, बहुत इजीली सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपके घर पे ही होंगी, और बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, बहुत ग्लोइंग हो जाएगी। और आप चाहें तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। और मुझे अपने बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक जरूर शेयर करिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके फेस पे भी उतनी ब्राइटनेस आएगी जितनी मेरी आई है, वीडियो के एंड में आप देखेंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया इसको। फेसियल में हमेशा राइट फेसियल स्टेप्स होते हैं उसी को फॉलो करिए तो और अच्छे रिजल्ट आते हैं। और प्रेशर पॉइंट हमेशा टच करिए, जो मैं हमेशा बताती हूँ हर फेसियल में। तो अगर आप अच्छे से फेसियल करेंगे तो रिजल्ट और भी अच्छा आता है। बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में ही आपको फेसियल करना है, और आपके जो प्रेशर पॉइंट है उनको बिल्कुल भूलिए मत, हमेशा टच करिए। इस तरीके से हम करेंगे सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में पूरा फेसियल करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं प्रेशर पॉइंट टच कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर पॉइंट टच करते हैं तो आपके जो फेस पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं। तो कुछ फेसियल स्टेप्स हैं वो आप ज़रूर फॉलो किया करिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और इस तरीके से मैं पूरा फेसियल अपना करूँगी, और यहाँ पे हमें 10 से 12 मिनट का टाइम देना है। इस तरीके से और आपके हाथों की जो पॉजिटिविटी है ना, वो भी आपके फेस पे ग्लो लाने में बहुत हेल्प करती है। तो खुद से किया हुआ काम बहुत अच्छा होता है, तो ये फेसियल आप ज़रूर करिएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और होली में जो आपका चेहरा डैमेज हुआ है ना रंगों की वजह से, वो भी जो है सारा का सारा निकल जाएगा इस फेसियल से, और आपकी जो पुरानी वाली स्किन है होली के पहले जो थी वो भी आपकी वापस आ जाएगी। और आपकी टैनिंग की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें हम लोगों ने विटामिन सी लिया है, तो जो आपकी पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, वो सारे के सारे जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये फेसियल आप करिए, और ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। आप चाहें तो वीक में 1 बार करिए, मंथ में 1 बार करिए, पर इसको अगर आप 2 से 3 बार वीक में करेंगे तो भी आपकी स्किन के लिए अच्छा ही होगा। अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा प्रॉब्लम है दाग धब्बों की, झुर्रियों की, तो आप इसको आराम से 2 से 3 बार करिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया है अच्छे से मसाज, और अब मैं इसको पैक की तरह अप्लाई करूँगी, वही जो हम लोगों ने बनाया था मसाज क्रीम उसको ही हम पैक की तरह अप्लाई करके इसको तब तक रखेंगे जब तक ये पूरा अच्छे से ड्राई ना हो जाए।
तो एक हमें पतली सी जो लेयर है वो लगानी है अच्छे से पूरे फेस पे। आप इसको चाहे तो नेक पे भी कर सकते हैं, बॉडी के किसी पार्ट पे भी अगर आपकी डार्कनेस हो गई है, टैनिंग हो गई है तो कर सकते हैं आप। तो बस ये देखिए 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं अपना फेस अच्छे से धुल लिया है मैंने, और आप मेरे फेस पे देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस आ गई है और अब मेरा स्किन कितना अच्छा लग रहा है। तो ज़रूर करके बताइएगा कैसा लगा ये फेसियल आपको। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।